ग्वालियर एसपी ने बुधवार को दो आरक्षकों को बर्खास्त कर दिया है। ये बर्खास्ती एक नव आरक्षक राजेश सिंह गुर्जर के द्वारा भर्ती में गलत जानकारी देने पर की गई है, तो वहीं दूसरे आरक्षक आकाश धाकड़ की बर्खास्ती गांजा तस्करी के मामले में की गई है। साथ ही अब दोनों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज किए जा रहे हैं। दरअसल नव आरक्षक राजेश सिंह गुर्जर की 6 दिसंबर 2022 को भर्ती हुई थी। राजेश सिंह गुर्जर ने अपना चरित्र सत्यापन में झूठा शपथ पत्र दिया था, जबकि उसके ऊपर शराब तस्करी का आरोप भी था। सहित मुरैना सिविल लाइन थाने में आबकारी एक्ट के 3 मामले दर्ज थे। तो वहीं आरक्षक आकाश धाकड़ को 20 फरवरी की रात क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया था। आकाश कार में दतिया से गांजा लेकर ग्वालियर आ रहा था, जबकि आकाश धाकड़ पारिवारिक काम के बहाने से छुट्टी लेकर गांजा तस्करी कर रहा था। ये दो सिपाहियों को कल संविधान के अनुच्छेद 311 के तहत बर्खास्त किया गया है, और इसमें एक आरक्षक जो कि थाना विश्वविद्यालय में पदस्थ था और अपने अवकाश अवधि में वो गांजे की तस्करी में लिप्त पाया गया, उस पर थाना डबरा पे NDPS एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध हुआ। और चूंकि उसका यह कृत्य पुलिस विभाग की सेवा शर्तों का स्पष्टतः उल्लंघन है, और दूसरा इस आपराधिक कृत्य की पुलिस विभाग में कहीं कोई जगह नहीं है, इसलिए उसमें विशेष शक्तियों का उपयोग करते हुए उसको बर्खास्त किया गया है। इसी प्रकार एक अन्य आरक्षक जो कि नव आरक्षक के रूप में भर्ती हुआ था और उसने अपना जो अनुप्रमाणन पत्र रहता है, शपथ पत्र रहता है, उसमें जानकारी छिपाई कि मुरैना में उसके ऊपर 2 अपराध पंजीबद्ध हैं। मुरैना जिले से जानकारी मिलने के बाद जब पता चला कि इस आरक्षक के ऊपर 2 अपराध पंजीबद्ध हैं, तो उसको भी संविधान के अनुच्छेद 311 के तहत बर्खास्त किया गया।